कुल लाभ मान लिए x, कुल पूंजी है 450,000, आधी पूंजी कितनी हो गई 2,25,000, डायरेक्ट कर दिए हम लोग 450,000 का। बी को ब्याज देना है, क्योंकि ए क्या किया है, ज्यादा पूंजी लगाया है ना, बी को ब्याज देना है कितना का, आधा पूंजी का 10%, ठीक है। तो बी को लगा ब्याज, ये ब्याज किसको दे देगा, वो ए को, तो इसका 10% करेंगे तो एगो सुना कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 22,500। बी को निरीक्षण कार्य के लिए मिला धन, बी को निरीक्षण, ये जो धन मिलेगा ये टोटल धन में पहले ही घटा देना है, निरीक्षण में मिला धन, ठीक है, 1200 प्रति माह, तो 1200 एक साल का नहीं हिसाब निकाल रहे हम लोग, 12 तो कितना हो जाएगा 14,400। शेष लाभ, शेष लाभ कितना बच जाएगा, अब पहले x था, इतना तो लाभ में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, x माइनस 14,400, ठीक है, शेष लाभ ये हो गया। अब इसमें से आधा आधा दोनों को देना है, और बी ए को दे देगा इतना पैसा और बी को मिलेगा इतना पैसा, क्लियर हो रहा है। तो पहले ए का शेयर कर लेते हैं, आय, ए को कुल आय कितना मिलेगा, तो पहले तो कुल पूंजी का आधा मिलेगा, कुल पूंजी का आधा कितना हो गया 1/2 x - 14,400, तो घटेगा ना जी, और क्या मिलेगा ए को, बी से जो ब्याज प्राप्त होगा कितना 22,500। अब बी का कुल है, बी की कुल कुल पूंजी का कितना मिलेगा, आधा ये लिख दिए, प्लस उसको क्या मिलेगा 14,400, बी को मिलेगा ना जी निरीक्षण कार्य का, लेकिन 22,500 क्या करेगा, वो दे देगा, तो घटेगा इसके में से, और बी की जो आय है ए का क्या है, आधा है, तो बी का आय कितना है, ये पूरा बी का आय बराबर आधा ए की आय, कुल आय, समझ में आ रहा है ना, तो बी का आय है लिख लेंगे अब 1/2 x - 14,400 प्लस, इसको घटा लीजिए 8100 आया, घटाकर माइनस में, क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में, अब बराबर 2, तो 1/2 एक आए, तो एक आए अब लिखेंगे, तो इसमें क्या देंगे, बड़ा कोष्ट देंगे ना, तो 1/2 x - 14,400 प्लस 1,500, ठीक है, इधर है 1/2 x - 14,400, ठीक है, आइए माइनस हो जाएगा ना इधर आके, -1/4 x - 14,400, ये और ये क्लियर हो गया, 8100 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, आइए 1/2 x 22,500, 22,500 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,250 आ जाएगा, 22,500 का आधा, अब प्लस 8100, 1/2 और 4 कितना एलसीएम हो गया, 4 एलसीएम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x - 28,800 - x - प्लस 14,400, इधर हो जाएगा 11,850, 4 से गुना करिए इसको, इधर हो जाएगा 2x - x, 28,800 - 14,400 गया तो बच गया -14,400, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 0,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